हाय, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम नवरत्न है और आज मैं क्लास सेवन्थ का एक टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसका नाम क्या है, द सेंटेंस एंड द फ्रेज। सो विदाउट टेकिंग अ टाइम बेटा, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और इसमें दो पार्ट्स हैं, एक क्या है द सेंटेंस है और दूसरा वाला जो है वो क्या है द फ्रेज है। तो हम जो स्टार्ट करेंगे इसमें फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे द फ्रेज। सो सबसे पहले तो आपको यही समझना पड़ेगा कि ये बेटा फ्रेज होता क्या है। आपने जरूर इसको पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं आपके टीचर्स या आपकी फैमिली मेंबर में कोई ना कोई आपको जरूर पढ़ाया होगा। सो बेसिकली जो आपको पढ़ाया गया होगा वो यही पढ़ाया गया होगा कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ पार्शियल मीनिंग मीन शब्दों का एक ऐसा समूह जो मीनिंग तो दे लेकिन मीनिंग कैसी दे, पार्शियल मतलब आंशिक, उसी को हम क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं। मीन्स ये कंप्लीट अर्थ नहीं देता है। तो यहाँ पे देख लेना बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला नंबर फ्रेज के लिए क्या होना चाहिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, मतलब कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होना चाहिए। और ये जो वर्ड्स हैं ना, इनका जो अर्थ होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, पार्शियल होना चाहिए। बात क्लियर हुई, आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा। अब बेटा हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके, किसके रिगार्डिंग, फ्रेज के रिगार्डिंग। जैसे मैंने एक लिखा क्या, अ बॉय। अब देख लो जरा ध्यान से, हाउ मेनी वर्ड्स आर हियर, देयर आर टू वर्ड्स, वन टू, और ये दोनों क्या है बेटा, फ्रेज हैं। क्या है, फ्रेज हैं। अगला एग्जांपल जैसे आप ले सकते हो, जैसे मैंने लिखा अ ग्लास ऑफ वाटर, तो ये भी क्या है बेटा, फ्रेज है। हाउ मेनी वर्ड्स आर हियर, देयर आर फोर वर्ड्स। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक दो एग्जांपल और देखते हैं बेटा। जैसे मैंने लिखा इन अ ब्यूटीफुल स्टाइल, मैंने क्या लिखा बेटा, इन अ ब्यूटीफुल स्टाइल। अब ये भी एक क्या है, फ्रेज है। हाउ मेनी वर्ड्स आर हियर, वन टू थ्री फोर, ओके कितने हैं, फोर हैं। तो ये क्या बना रहे हैं बेटा, फ्रेज बना रहे हैं। तो जो यहाँ डेफिनेशन में दिया गया था ना, वो चीज़ यहाँ से प्रूफ हो रही है। अब जैसे मैं आपसे बोलूँ कि रीना कोई फ्रेज है क्या, नहीं, ये तो क्या है, वर्ड है। फिर मैंने बोला झील, मैं पूछूँ झील कोई वर्ड है क्या, नहीं, सॉरी, अगर मैं आपसे बोलूँ झील कोई फ्रेज है क्या, तो झील फ्रेज नहीं है, झील अपने आप में क्या है, वर्ड है। वर्ड के लिए कलेक्शन होना, फ्रेज के लिए किस क्या होना चाहिए बेटा, कलेक्शन होना चाहिए, किसका, वर्ड्स का। सो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज चेक करते हैं, क्या चेक करेंगे बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ अ फ्रेज, मतलब एक फ्रेज की प्रॉपर्टी क्या होती है, ओके। तो इसकी बेसिकली जो फोर प्रॉपर्टीज हैं बेटा, वो थोड़ा सा माइंड में आपके सेट होना चाहिए। तो पहला जो इसका प्रॉपर्टी है, इट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, ये एक सेंटेंस का क्या होगा, पार्ट होगा, ओके। सेकेंड, इट डज नॉट मेक अ कंप्लीट सेंस, ये कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा। थर्ड, इट डज नॉट हैव अ फाइनाइट वर्ब, मीन्स इसमें फाइनाइट वर्ब नहीं होगा। फाइनाइट वर्ब को एक वर्ब के नाम से और भी जानते हैं जिसका नाम है क्या, मेन वर्ब। मीन्स फ्रेज में कभी भी मेन वर्ब नहीं होगा। इसके बाद अगला पॉइंट है बेटा, इट में
कंसिस्ट, इट मे कंसिस्ट नॉन फाइनाइट वर्ब, मीन्स इसमें नॉन फाइनाइट वर्ब हो सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि होगा ही होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, हो सकता है, यहाँ में लिखा है। अब थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं और जितनी ये प्रॉपर्टी दी गई हैं उनको हम चेक करते हैं बेटा, ओके। तो ये प्रॉपर्टी याद रखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट्स हैं, इनकी अपने आप में बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंस है। एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा वॉकिंग इन फ्रेश एयर इज वेरी हेल्दी, मैंने क्या लिखा बेटा, वॉकिंग इन फ्रेश एयर इज वेरी हेल्दी, मीन्स फ्रेश एयर में टहलना बहुत ज़्यादा क्या होता है, हेल्दी होता है। अब यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं बेटा, अब बताओ ये पूरा क्या है बेटा, सेंटेंस है। तो पहला क्या बोला है कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, मीन्स जो आपका फ्रेज होगा वो सेंटेंस का पार्ट होगा, तो मतलब फ्रेज इसी में कहीं ना कहीं क्या है, हिडन है, मतलब फ्रेज जो है आपका इसी में कहीं ना कहीं क्या है, छिपा हुआ है। दूसरा, इट डज नॉट मेक अ कंप्लीट सेंस, अब वो भी इसी में चेक करेंगे। तीसरा देखेंगे कि जो तीसरा पॉइंट बोल रहा है ना वो पहले इसमें से हटाओ, वो तीसरा पॉइंट यही बोल रहा है कि इसमें फाइनाइट वर्ब नहीं होता है, फाइनाइट वर्ब का मतलब इज इसमें आएगा नहीं, मीन्स इज को हम फ्रेज नहीं मानेंगे हम, ओके। अब तो हो क्या सकता है, तो यहां देखो बेटा ध्यान से, यहां पे जो लिखा है ना वॉकिंग इन फ्रेश एयर, यहां से और यहां तक ये बेटा क्या है, फ्रेज है, क्या है, फ्रेज है। इसमें से जो ये वॉकिंग है ना वो ये वाला कंडीशन फुलफिल करेगा कि इट मे कंसिस्ट नॉन फाइनाइट वर्ब, तो यहां जो वॉकिंग है ना ये बेटा जेरंड है, क्या है, जेरंड, और याद रखना जेरंड हुआ, पार्टिसिपल हुआ और इन्फिनेटिव हुआ, ये सब हम किस में कंसीडर किए जाते हैं, ये नॉन फाइनाइट वर्ब में कंसीडर किए जाते हैं, तो यहाँ पे ये जेरंड हो गया, तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। और ये पूरा जो ग्रुप बना रहा है वो क्या बना रहा है बेटा, एक फ्रेज बना है, क्या है, एक, ये सारे वर्ड्स मिलके क्या बना रहे हैं, फ्रेज बना रहे हैं, और ये बेसिकली जो फ्रेज है यहाँ पे किसकी तरह काम कर रहा है, एज अ सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। अब एक एग्जांपल और देखते हैं बेटा, हाँ मैंने लिखा आई वॉन्ट टू गो होम, मीन्स मैं घर जाना चाहता हूँ, ओके। अब देखो बेटा ध्यान से, आइट हो गया सब्जेक्ट, वॉन्ट हो गया मेन वर्ब, यहाँ पे जो टू गो होम लिखा है ना बेटा, दिस इज बोलो, हाँ वेरी गुड, ये बेटा क्या है, फ्रेज है, और यहाँ पे ये एज अ ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। आई होप ये जो प्रॉपर्टीज़ है ना ये आपको समझ में आ गई होंगी, बात क्लियर हो गई, कोई डाउट तो नहीं है बेटा, अगर कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी उन प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व आउट करेंगे। अब इसके बाद हम इसके नेक्स्ट टर्म्स पे आते हैं, और वो जो आपका नेक्स्ट टर्म है वो बेसिकली क्या है, देखना बेटा ध्यान से, टाइप्स ऑफ अ फ्रेज, क्या है बेटा, टाइप्स ऑफ अ फ्रेज मीन्स जो एक फ्रेज होगा ना वो कितने टाइप का हो सकता है, अगली चीज हम ये सीखने वाले हैं। बहुत ही सिंपल है, टाइप्स ऑफ फ्रेज की अगर हम बात करें बेटा, इसमें सबसे पहला जो फ्रेज होता है वो आपका होता है नाउन फ्रेज, क्या होता है बेटा, नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज नाम से समझ में आ रहा है, ये बेसिकली जो काम करेगा बेटा सेम एज अ नाउन की तरह काम करेगा। नाउन क्या होता है, जैसे आपका फैन है, टेबल है, चेयर है, मोबाइल है, मार्कर है, बोर्ड है, हाँ तो ये क्या है, नाउन है, तो ऐसे ही जो नाउन फ्रेज है ना वो भी एक नाउन ही होगा और सेम इन्हीं लोगों की तरह ही काम करेगा, या
समझ में आई बात बेटा? इन्हीं लोगों की तरह ही काम करेगा, हो सकता है मार्कर की तरह काम करे या फैन की तरह काम करे या मोबाइल की तरह काम करे। अब वो देखते हैं बेटा। हाँ तो मैं थोड़ा सा इसको लिख रहा हूँ, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फंक्शन एज अ नाउन, मतलब शब्दों का एक ऐसा समूह जो बेसिकली किसकी तरह काम करे, नाउन की तरह। तो ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, लेकिन ये जो फंक्शन करेगा ना वो किसकी तरह फंक्शन करेगा, एज अ नाउन की तरह करेगा। अब एग्जांपल देखते बेटा, क्योंकि एग्जांपल से और भी चीजें क्लियर होती हैं। एग्जांपल देखना, जैसे मैंने लिखा टू स्मोक, यहां मैंने लिखा टू स्मोक किल्स, मतलब सिगरेट पीना जानलेवा है। अब इसमें ध्यान से देखना बेटा, टू स्मोक जो है ना यहां पे ये फ्रेज है, क्या है बेटा, फ्रेज है। और जो यहां पे किल्स है ना, यहां पे ये क्या है, मेन वर्ब है। और इसी मेन वर्ब का जो स्मोक है, क्या टू स्मोक, वो क्या है, सब्जेक्ट है। क्या है बेटा, सब्जेक्ट है। ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होना चाहिए कि ये जो नाउन होता है ना, इसका बेसिकली फंक्शन क्यों क्या होता है, मींस इसको मार्केट में लाने की जरूरत ही क्यों पड़ी। तो वो जरूरत इसलिए पड़ी, थोड़ा सा देख लो बेटा, क्योंकि जो नाउन होता है ना वो किसी भी सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट की तरह काम करता है या ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है या फिर कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करता है। किसकी तरह, कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करता है बेटा। ये बात समझ में आई? देखो यहाँ पे किसकी तरह काम कर रहा, एज अ सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा। अब ये सिंगल नाउन नहीं है, ये क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। अब एक दो एग्जांपल बेटा और चेक करते हैं। जैसे मैंने लिखा वॉकिंग इन द मॉर्निंग, वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज बेनिफिशियल beneficial to health। ये हो गया बेटा आपका सेंटेंस। मैंने क्या लिखा, वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज बेनिफिशियल टू हेल्थ। अब यहां आप दिखा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ बेटा, यहां पे जो एज है ना, ये आपका क्या है, लिंकिंग वर्ब है, मींस मेन वर्ब उसको आप मान सकते हो। तो ये वाला जो पूरा पार्ट होगा, ये वाला, यहां पे ये क्या है, फ्रेज है। और यहाँ पे किसकी तरह काम कर रहा है, एज अ सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है बेटा, ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। और ये यहाँ पे कौन सा फ्रेज है, एनपी, एनपी मतलब नाउन फ्रेज। ऊपर वाले में भी ये किसकी तरह काम कर रहा था, सब्जेक्ट की तरह, तो ये यहाँ पे क्या है, नाउन फ्रेज है। क्या है बेटा, नाउन फ्रेज है। अब एक एग्जाम्पल और देखते हैं बेटा। यहाँ पे मैंने लिखा I want a glass of water। ये लिखा मैंने बेटा, क्या लिखा, I want a glass of water। अब देखो इसमें जो a glass of water है ना, ये आपका क्या है बेटा, noun phrase है। So I hope आपका ये जो noun phrase है ना वो clear हो गया होगा। अब इसके बाद हम next topic पर चलते हैं, और वो जो है आपका टॉपिक वो है आपका एडजेक्टिव फ्रेज। क्या बोलते हैं बेटा उसको, एडजेक्टिव फ्रेज। अब नाम से समझ में आ रहा बेटा कि एडजेक्टिव फ्रेज एक्चुअली में होगा क्या। एडजेक्टिव फ्रेज सेम
एडजेक्टिव की तरह ही काम करेगा। जैसे नाउन फ्रेज था सेम नाउन की तरह काम कर रहा था, ऐसे ही जो आपका एडजेक्टिव फ्रेज है वो बिल्कुल किसकी तरह काम करेगा? एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। किसकी तरह बेटा? एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फंक्शन एज एन एडजेक्टिव। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया बेटा, हाँ, एन एडजेक्टिव। अब बेटा एग्जाम्पल चेक करते हैं इसके, हाँ, क्योंकि एग्जाम्पल से चीजें और भी क्लियर होती हैं हमारी। एग्जाम्पल के रूप में मैंने लिखा, अ मैन विथ ग्रेट वेल्थ, ये लिखा। और फिर मैंने लिखा, अ वुमेन ऑफ माई नेबर, नेबर। अब देखो ध्यान से, अगर आप इसको बेटा ध्यान से देखो ना, तो इसमें है अ मैन, ये क्या है बेटा? अ मैन है। और यहां पे क्या है? अ वुमेन है। यहां पे अगर हम बात करें, अ मैन को जो क्वालिफाई कर रहा है ना, वो ये पूरा टर्म्स कर रहा है, विथ ग्रेट वेल्थ। और ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? मैन को क्वालिफाई कर रहा है। और जब ये मैन को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये किसकी तरह काम कर रहा है? एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। और ये जब एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, तो यहां पे ये क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज है। क्या है बेटा? एडजेक्टिव फ्रेज है। सेम अगर हम नीचे की बात करें, ऑफ माई नेबर, कि मतलब ये जो औरत है ना, यानी जो वुमेन है, वो हमारी कहाँ की है? हमारे नेबर की है। नेबर मतलब हमारे पड़ोस की है। तो कहीं ना कहीं ये जो ऑफ माई नेबर है ना, वो इस वुमेन को क्या कर रहा है? क्वालिफाई कर रहा है। तो जब इस वुमेन को क्वालिफाई कर रहा है, तो यहाँ पे एक तरीके से ये तो हो गया एडजेक्टिव, लेकिन ये ग्रुप ऑफ क्या है बेटा? वर्ड्स है। और जब ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। क्या हो गया बेटा? एडजेक्टिव फ्रेज। याद रखना, एडजेक्टिव फ्रेज को हम व्हाट काइंड ऑफ से क्वेश्चन पूछकर भी पता कर सकते हैं, या व्हाट सॉर्ट ऑफ से भी क्वेश्चन पूछ करके पता कर सकते हैं कि ये एडजेक्टिव है या नहीं है। जैसे हम यहां पूछ सकते हैं, व्हाट काइंड ऑफ अ मैन, तो आंसर क्या आया? विथ ग्रेट वेल्थ। व्हाट काइंड ऑफ अ वुमेन, तो आंसर आया क्या? ऑफ माई नेबर। आई होप ये आपका थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें कोई डाउट होगा बेटा, तो प्लीज आप इसको एक बार दोबारा से रिपीट करके देखिएगा। अब हम इसमें एक चीज चेकआउट करने जा रहे हैं, कि ये जो एडजेक्टिव होता है, वो एक्चुअली में बनता कैसे है। मीन्स जो एडजेक्टिवल फ्रेज है ना, वो आपका बनता कैसे है, ये थोड़ा सा हम देखेंगे बेटा। सो आप इसका बेटा एक काम करो, स्क्रीन शॉट ले लो और मैं इसको थोड़ा सा रब करूंगा। आई होप आपने इसको लिख लिया होगा। याद रखना बेटा, इस वीडियो को बार बार देखना। अगर कोई भी डाउट होगा, तो अपने मम्मी से आप पूछना, अपने भैया से आप पूछना, अपने सिस्टर से आप पूछना, अपने टीचर से आप पूछना, और नहीं तो मैं हूँ ना, हैं? मैं आपकी एक एक प्रॉब्लम्स को क्या करूँगा? सॉल्व करूँगा। मतलब जो भी आपके मन में डाउट होगा इसके रिगार्डिंग, मैं उसे क्या करूँगा? दूर करूँगा। अब देखना बेटा, मैंने आपको ये बोला है कि हम अब ये चेक करने जा रहे हैं कि ये जो एडजेक्टिव फ्रेज है ना, वो
एडजेक्टिव से कैसे बनता है वो हम थोड़ा सा देखेंगे। तो आप उसके लिए एक हेडिंग डाल लेना बेटा, एडजेक्टिव्स एंड इक्विवेलेंट टू एडजेक्टिव फ्रेजेस। मतलब कुछ एडजेक्टिव्स या जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो कैसे इक्विवेलेंट होते हैं एडजेक्टिव फ्रेजेस के, तो ये हम देखेंगे बेटा। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, दो कॉलम बना लेना। तो एडजेक्टिव एक साइड लिखना और एक साइड लिख लेना बेटा एडजेक्टिव फ्रेजेस। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, अ वाइट एलिफेंट, मैंने क्या लिखा बेटा, अ वाइट एलिफेंट। अब इसको हम एडजेक्टिव फ्रेज में कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले इसमें चेक करना ये क्या है, ये नाउन है और ये क्या है, एडजेक्टिव है, और ये आपको पता ही आर्टिकल है। तो कुछ नहीं करना, इस नाउन को पहले लाइए, इस आर्टिकल के पहले। तो आपको लिखना पड़ेगा एन एलिफेंट विथ, याद रखना बेटा मोस्टली जो एडजेक्टिव फ्रेजेस होते हैं ना वो किससे बने होते हैं, प्रपोजिशन से। तो आपको यहां प्रपोजिशन लगाना पड़ेगा, एन एलिफेंट विथ वाइट स्किन। अगला बेटा एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जैसा मैंने लिखा, आ गोल्डन रिंग, तो हम इसको लिख सकते हैं अ रिंग मेड ऑफ गोल्ड। क्या लिखा बेटा मैंने, वही सेम चीज है, ये बेटा नाउन था और ये था आपका क्या, एडजेक्टिव था और ये आर्टिकल था। तो इस नाउन को हमने पहले ले लिया और आर्टिकल के बाद मतलब, और उसके बाद इसको हमने बना दिया प्रपोजिशन लगा के। इसमें मोस्टली केसेस में मैंने आपको पहले बोला प्रपोजिशन होता ही है। फिर मैंने एक एग्जांपल लिखा, अ या एन आयरन रॉड, तो आप इसको लिख सकते हो अ रॉड मेड ऑफ आयरन। अगला एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा बेटा, द इंडियन फ्लैग, क्या लिखा मैंने बेटा, द इंडियन फ्लैग, तो आप वही सेम चीज, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है इंडियन, और द आपका आर्टिकल है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो द फ्लैग ऑफ इंडिया। मैंने क्या लिखा, द फ्लैग ऑफ इंडिया। सो याद रखना बेटा, चाहे आप अ वाइट एलिफेंट लिखो या एन एलिफेंट विथ वाइट स्किन लिखो, बात एक ही है। यहां पे जैसे मैं लिखा अ गोल्डन रिंग, चाहे आप इसको ऐसे लिखो चाहे आप इसको ऐसे लिखो, बात एक ही है। आप इसको चाहे ऐसे लिखो चाहे आप इसको ऐसे लिखो, बात एक ही है। चाहे आप इसको ऐसे लिखो द इंडियन फ्लैग या आप इसको ऐसे लिखो द फ्लैग ऑफ इंडिया, बात एक ही है। बट इसमें याद रखना, जो ये वाइट हो किसको क्वालिफाई कर रहा है, एलिफेंट को। गोल्डन किसको क्वालिफाई कर रहा है, रिंग को। आयरन किसको क्वालिफाई कर रहा है, रॉड को। और इंडियन किसको क्वालिफाई कर रहा है, फ्लैग को। सेम केस, ये जो विथ वाइट स्किन है ना, ये एलिफेंट को क्वालिफाई कर रहा है। ये जो मेड ऑफ गोल्ड है ना बेटा, ये रिंग को क्वालिफाई कर रहा है। और ऑफ आयरन जो है ना, ये सॉरी, ये पूरा मेड ऑफ आयरन, ये बेटा जो क्वालिफाई कर रहा है किसको कर रहा है, रॉड को कर रहा है। और जो ऑफ इंडिया है ना, वो किसको क्वालिफाई कर रहा है, फ्लैग को क्वालिफाई कर रहा है। आई होप ये
भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद इसमें एक नोट चेक करते हैं बेटा, और वो जो नोट है ना वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो नोट में हम देखने वाले हैं व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव फ्रेज, मींस एडजेक्टिव फ्रेज का पोजीशन क्या होना चाहिए। बहुत ही सिंपल, एडजेक्टिव फ्रेज का जो पोजीशन होता है ये जिस वर्ड को क्वालिफाई करता है, मींस जिस नाउन को क्वालिफाई करेगा बेटा, उसको हम उसी नाउन के पास में रखेंगे। अब नाउ एक एग्जांपल के थ्रू इसको हम चेक करते हैं। मैंने लिखा ज्योति बॉट अ कार फ्रॉम बेटा ये सही से आ नहीं रहा है, इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मैंने यहाँ लिखा बेटा ज्योति बॉट अ कार फ्रॉम मुस्कान विथ न्यू टायर्स। यहां आ रहा बेटा विथ न्यू टायर्स आ रहा बेटा ये आ रहा है। अब देखो ध्यान से, इसमें बेटा ज्योति क्या है सब्जेक्ट है, बॉट क्या है मेन वर्ब है, अ कार क्या है ऑब्जेक्ट है, याद रखना ये फ्रेज है नाउन फ्रेज है क्योंकि इसमें दो टर्म्स हैं, फ्रॉम इसमें है प्रपोजिशन और मुस्कान यहाँ पे क्या है नाउन है, इस प्रपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट है। विथ न्यू टायर्स जो है ना बेटा ये फ्रेज है, ये भी क्या है फ्रेज है। अब आपको दिमाग लगाना है ये जो विथ न्यू टायर्स है ना ये किसके लिए काम कर रहा है बताओ बेटा, ज्योति के लिए काम कर रहा है क्या, बिल्कुल नहीं। मुस्कान के लिए काम कर रहा है बिल्कुल नहीं। एक्चुअली में जो टायर है ना वो जो टायर्स हैं वो बेसिकली किसके लिए काम कर रहा है कार के लिए काम कर रहा है। तो इसका जो यहाँ पे पोजीशन है किसका इस फ्रेज का, कहीं ना कहीं ये फ्रेज इसी नाउन को क्या करने की कोशिश कर रहा है क्वालिफाई करने की कोशिश कर रहा है, तो इसका जो पोजीशन है ना वो गलत पोजीशन है, इसको हमें सही करके लिखना पड़ेगा। तो इसका जो करेक्ट पोजीशन होगा बेटा वो होगा ज्योति बॉट अ कार विथ न्यू टायर्स फ्रॉम मुस्कान। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो यहां पे विथ न्यू टायर्स है ना वो किसके लिए काम कर रहा बेटा। हाँ वेरी गुड, वो काम कर रहा है आ कार के लिए, तो कहीं ना कहीं ये इसी कार को क्वालिफाई कर रहा है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया एडजेक्टिव फ्रेज। और मैंने जैसा कि आपको बताया था कि इसमें एक चीज़ आप याद रखना, एडजेक्टिव फ्रेज या एडजेक्टिव मोस्टली केसेस में हम उसी नाउन के पास में रखते हैं जिस नाउन को क्या करता है क्वालिफाई करता है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो है आपका एडवर्ब फ्रेज। क्या है बेटा एडवर्ब फ्रेज, नाम से समझ में आ रहा बेटा जो एडवर्ब फ्रेज होगा वो सेम किसकी तरह काम करेगा एडवर्ब की तरह ही काम करेगा, मींस अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फंक्शन एज एन एडवर्ब। ओके देखो ध्यान से, मैंने क्या लिखा
कि जो एडवर्ब फ्रेज होगा वो भी क्या होगा बेटा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, लेकिन ये फंक्शन किसकी तरह काम करेगा बताओ। हाँ वेरी गुड, ये बेसिकली किसकी तरह काम करेगा, एडवर्ब की तरह काम करेगा। अब आपके मन में डाउट होना चाहिए कि एडवर्ब क्या होता है, तो बेसिकली जो एडवर्ब होता है ना वो किसी वर्ब को क्वालिफाई करता है या किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है या अपने आप को क्वालिफाई करेगा। मीन्स एन एडवर्ब दैट क्वालिफाइज वर्ब, एडजेक्टिव एंड इटसेल्फ। ओके, अब इसका एग्जाम्पल थोड़ा सा देखते हैं बेटा। हाँ मैंने लिखा एग्जाम्पल में, विथ अ ग्रेट या विथ ग्रेट स्पीड, क्या लिखा बेटा, विथ ग्रेट स्पीड। फिर अगला मैंने लिखा इन अ ब्यूटीफुल स्टाइल। ये जो मैंने ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखा ना बेटा, ये बेसिकली क्या है, एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब है। कैसे, वो हम अभी एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से चेक करेंगे। अभी केवल इतना देखो आप, जैसे मैंने लिखा विथ ग्रेट स्पीड, सो इसका मतलब हो गया, विथ ग्रेट स्पीड का मतलब होता है क्विकली, मतलब बहुत ही तेजी के साथ। अब यहाँ पे कितने वर्ड्स हैं बेटा, देयर आर थ्री वर्ड्स। ओके, अभी जो तीनों वर्ड्स हैं ना ये मिलके क्या बना रहे हैं, एक फ्रेज बना रहे हैं, लेकिन ये जो फ्रेज है वो कौन सा फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज है। कौन सा फ्रेज है बेटा, एडवर्ब फ्रेज है। इन अ ब्यूटीफुल स्टाइल, ये भी क्या बना रहे हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स बना रहे हैं। अब ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स बना रहे हैं तो ये क्या है बेटा, फ्रेज है, और ये भी कौन सा फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज है। अच्छा मैं इसको बेटा प्रूफ कर दे रहा हूं, हाँ देखना जरा इसको। जैसे मैंने लिखा ही रैन विथ ग्रेट स्पीड, बात समझ में आई, देखो ध्यान से, ही इसमें क्या है, सब्जेक्ट है, वह दौड़ा, लेकिन दौड़ा कैसे, ये जो दौड़ना हुआ मींस इस वर्ब की जो क्वालिटी थी मींस वो कैसे हुई, मतलब इस वर्ब का जो एक्शन था वो कैसे हुआ, विथ ग्रेट स्पीड। तो कहीं ना कहीं इसी वर्ब को ये क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, तो इसलिए क्या हो गया, एडवर्ब फ्रेज हो गया। आप इसको भी देख सकते हो एग्जाम्पल के रूप में, जैसे मैंने लिखा, क्यों बेटा रुचि समझ में आ रहा है, कोई डाउट तो नहीं है। ओके बेटा, अब देखो रुचि के नाम से एक सेंटेंस बना देते हैं। मैंने लिखा रुचि ऑलवेज राइट्स इन अ ब्यूटीफुल स्टाइल, इन अ ब्यूटीफुल स्टाइल। अब देखो इसमें रुचि क्या है बेटा, सब्जेक्ट है, ऑलवेज क्या है, एडवर्ब है। अब देखो रुचि लिखती है, कैसे लिखती है, हमेशा लिखती है, तो यहां पे लिखना मीन्स राइट्स क्या है बेटा, दिस इज योर मेन वर्ब। अब ये मेन वर्ब तो हमेशा हो रहा है, लेकिन किस तरीके से हो रहा, हाउ, तो योर आंसर इज इन अ ब्यूटीफुल स्टाइल। सो मीन्स ये जो राइट करने का मेथड है, जो तरीका है, वो कैसा है, इन अ ब्यूटीफुल स्टाइल है। तो कहीं ना कहीं ये क्या हो गया, एडवर्ब फ्रेज हो गया। क्या हो गया बेटा, एडवर्ब फ्रेज हो गया। सो आई होप एडवर्ब फ्रेज आपका क्लियर हो गया होगा कि एडवर्ब फ्रेज कुछ ज़्यादा नहीं होता है, वो बेसिकली क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, जो बेसिकली किसकी तरह फंक्शन करता है, एक एडवर्ब की तरह काम करता है। ओके, और एडवर्ब आपको पता होगा उसका डेफिनेशन, जहाँ तक मैं समझता हूँ। अब बेटा एक काम करते हैं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद थोड़ी सी इसमें चीज़ें और हम करवा देंगे। आई होप आपने ले लिया होगा। अब इसी में थोड़ा सा और कुछ देख लेते हैं बेटा। हाँ अब यहां एक काम करो, यहां पे लिख लो आप
एडवर्ब्स, एडवर्ब्स एंड इक्विवेलेंट एडवर्ब फ्रेजेस। ओके, सेम जैसा कि आपने क्या देखा था, जो एडजेक्टिव्स थे वो हम किसके इक्विवेलेंट में लिख रहे थे, एडजेक्टिव फ्रेज के इक्विवेलेंट में। ऐसे ही हम क्या देखने वाले बेटा, एडवर्ब को, और वो एडवर्ब किसके इक्विवेलेंट में होंगे, एडवर्ब फ्रेज के इक्विवेलेंट में होंगे, वो थोड़ा सा हम और देख लेते हैं। तो यहाँ मैंने क्या लिखा बेटा, एडवर्ब, एडवर्ब्स, और यहाँ पे लिखा मैंने एडवर्ब फ्रेजेस। एडवर्ब फ्रेजेस, अब देखो बेटा, मैंने लिखा एक वर्ड केयरफुली, तो आप इसको लिख सकते हो विथ केयर। क्या लिख दिया बेटा आपने, विथ केयर। फिर अगला मैंने टर्म्स लिखा ब्यूटीफुली, तो आप इसको लिख सकते हो बेटा इन अ ब्यूटीफुल स्टाइल। फिर मैंने आपके सामने एक वर्ड लिखा बेटा इमीडिएटली, तो आप इसको लिख सकते हो एट वंस, या फिर आप लिख सकते हो बेटा विदाउट एनी डिले, विदाउट एनी डिले। फिर मैं लिखा बेटा सडनली, क्या लिखा सडनली, फिर मैं इसका हो जाएगा विदाउट वार्निंग, विदाउट वार्निंग, वार्निंग। फिर मैंने अगला लिखा बेटा एनुअली, एनुअली, तो आप इसको लिख सकते हो एवरी ईयर, एवरी ईयर। मैंने लिखा देयर, तो आप इसको लिख सकते हो एट दैट प्लेस। ऐसे बहुत सारे बेटा जो एडवर्ब्स है ना, उसको आप एक्सपांड करके एडवर्ब फ्रेज में क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। समझ में आई बात? देखो अगर कहीं केयरफुली लिखा होगा तो इस केयरफुली को हटा के आप क्या लिख सकते हो, विथ केयर। अगर कहीं ब्यूटीफुली लिखा है तो इसको हटा के आप क्या लिख सकते हो, इन अ ब्यूटीफुल स्टाइल। इमीडिएटली लिखा होगा तो आप इनमें से कोई एक लिख सकते हो, एट वंस या विदाउट डिले। सडनली लिखा होगा बेटा तो आप लिखा सकते हो उसमें विदाउट वार्निंग। एनुअली लिखा होगा तो आप लिख सकते हो एवरी ईयर। दैट होगा तो आप उसकी जगह, सॉरी देयर होगा तो उसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, दैट प्लेस लिख सकते हो। आई होप ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर ये बातें समझ में आ गई हैं तो मैं एक बेटा आपको थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ, उसको ज़रा ध्यान से देख लेना आप, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखना। मैंने आपसे बोला जो नाउन होता है ना, वो बेसिकली किसकी तरह होता है, नाउन इक्विवेलेंट आप लिख सकते हो क्या, नाउन फ्रेज, बिल्कुल। फिर मैंने आपसे बोला बेटा जो एडजेक्टिव होता है ना, वो बेसिकली किसके बराबर में होगा, एडजेक्टिव फ्रेज। और फिर मैंने आपसे बोला बेटा जो एडवर्ब होगा ना, वो किसके इक्विवेलेंट में होगा, एडवर्ब फ्रेज। नाम अलग अलग है, कंफ्यूज मत होना बेटा, काम एक ही करेंगे ये सब। देखो ध्यान से, बचपन में आपने बहुत पढ़ा होगा, अरे अभी तो भी आपका बचपन ही है। देखो जो नाउन है ना बेटा, वो बेसिकली किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट बनता है,
ऑब्जेक्ट बनता है या कॉम्प्लीमेंट बनता है। और अगर किसी भी सेंटेंस से नाउन निकालना है ना, तो हम यूज करते हैं व्हाट या हुम से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। किससे क्वेश्चन पूछेंगे? व्हाट और हुम से। सेम जो नाउन फ्रेज होगा ना, वो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, कॉम्प्लीमेंट बनेगा। और नाउन फ्रेज को भी हम क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? व्हाट से क्वेश्चन पूछेंगे। किससे पूछेंगे बेटा? व्हाट से। अब एक एग्जांपल देखते हैं। मैंने लिखा ही वांट्स अ ग्लास ऑफ वाटर। अब देखो क्वेश्चन पूछेंगे कैसे, व्हाट डज ही वांट। अब बताओ बेटा आंसर क्या आया? यही तो आंसर आया, अ ग्लास ऑफ वाटर। क्वेश्चन आपने किससे पूछा? व्हाट से पूछा। तो यहां पे जो अ ग्लास ऑफ वाटर है ना बेटा, ये क्या हो गया? नाउन फ्रेज हो गया। क्या हो गया बेटा? नाउन फ्रेज हो गया। तो ये पहला पॉइंट याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड हम बात करते हैं एडजेक्टिव। बेसिकली जो एडजेक्टिव होता है ना बेटा, वो या तो नाउन को क्वालिफाई करेगा या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा। किसको क्वालिफाई करेगा? या तो नाउन या प्रोनाउन। और अगर सेंटेंस से आपको एडजेक्टिव बाहर निकालना है, तो आपको क्वेश्चन पूछना है व्हाट काइंड ऑफ, या फिर आप पूछ सकते हो बेटा व्हाट सॉर्ट ऑफ। दोनों में से कोई भी आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा बेटा, He is a man with great wealth। देखो ध्यान से देखना, ही इसमें क्या है बेटा? सब्जेक्ट। इज क्या है? लिंकिंग वर्ब है। और अ मैन क्या है? कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन है तो नाउन, है तो नाउन ही ना बेटा। अब ध्यान से देखो, जरा ध्यान से, इसमें जो लिखा है ना विथ ग्रेट वेल्थ, ये क्या कर रहा है? अगर यहां पे ये है या इसका यहां पे यूज किया गया है, तो ये काम किसके लिए कर रहा है? ही के लिए काम कर रहा है, मैन के लिए काम कर रहा है? तो देखना क्वेश्चन पूछेंगे, ध्यान से सुनना बेटा। मैंने लिखा व्हाट काइंड ऑफ अ मैन इज ही, ये मैंने पूछा। अब बताओ बेटा आंसर क्या है? With great wealth, मतलब वह किस टाइप का आदमी है? तो आंसर क्या है आज? मीन्स जो ये मैन है वो ग्रेट वेल्थ है, मतलब उसके पास पैसा बहुत ज्यादा, विथ ग्रेट वेल्थ। तो यहां पे ये जो काम कर रहा है ना, ये किसकी तरह काम कर रहा है? एडजेक्टिव फ्रेज की तरह काम कर रहा है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद करते हैं अगला जो है आपका, कर लो बेटा गल्ला, इधर आ जाओ। वो यहां पे क्या है बेटा? एडवर्ब है। एडवर्ब क्या करता है? एडवर्ब एडवर्ब को क्वालिफाई कर देगा, एडवर्ब एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर देगा, एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई कर देगा। ओके, अब बात आती है कि एडवर्ब हम पता कैसे करते हैं। तो बेसिकली जो एडवर्ब हम पता करते हैं, वो क्वेश्चन पूछेंगे या तो वैन से, या तो वेयर से, या तो वाय से, या तो हाउ से। ओके, सेम इन सब की तरह ही। अब बेटा एक एग्जांपल चेक करते हैं, आ जाओ मैदान में। आज मैं आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाने वाला हूँ, आप भी बोलोगे कि हाँ हमारे नॉर्थन सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ओके, नाउ टेक एन एग्जांपल। मैंने लिखा ही रन्स With great speed। अब देखो, या फिर मैं लिखा you sit on the table। देखो ध्यान से, he बेटा क्या है? Subject है। You क्या है? Subject है। और इसमें runs क्या है? Main verb है। और sit क्या है बेटा? इसमें main verb है। अब दिमाग लगाना, ये पूरा क्या है? देखो ध्यान से, ही रन्स विथ ग्रेट स्पीड, मतलब वह बहुत तेजी के साथ दौड़ता है। अब देखो हाउ,
इसका आंसर शायद हाउ से मिलेगा। किससे मिलेगा बेटा? हाउ से। क्वेश्चन पूछते हैं जरा, हाउ डज ही रन? योर आंसर इज हाउ डज ही रन, योर आंसर इज विथ ग्रेट स्पीड। आंसर हमें पता किससे चला? हाउ से। अब हाउ किसका पता लगाता? एडवर्ब का। अब ये सिंगल वर्ड तो है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा बेटा। क्या हो गया? एडवर्ब फ्रेज। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आगे फिर मैं लिखा, यू सिट ऑन द टेबल। आप कहाँ बैठते हो? आप टेबल के ऊपर बैठते हो। सही बात है, हर कोई टेबल के ऊपर ही बैठता है। अब देखो बेटा, वेयर से इसका आंसर आएगा। किससे आएगा? वेयर से। वेयर डू यू सिट? वेयर डू यू सिट? आप देखो बेटा, इसका आंसर हमें किससे मिला? वेयर से मिला। तो वेयर से मिला तो ये भी क्या हो गया? एडवर्ब। और ये एडवर्ब क्या है? फ्रेज है। क्यों? क्योंकि ये कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है। आई होप ये जितना भी मैंने आपको पढ़ाया आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें बेटा कोई भी डाउट होगा तो इस वीडियो को आप दोबारा देखना, और नहीं उसके बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब इसके बाद जो अपना नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम बेसिकली क्या करेंगे, ये जो आपका है ना द फ्रेज, इसके एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। सो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आऊँ। मे गॉड ब्लेस।